बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जवेद राकीज़ार और आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अबाउट वॉच टाइम। कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि वॉच टाइम, कौन सा वॉच टाइम काउंट किया जाता है। यूट्यूब के पार्टनरशिप प्रोग्राम में YPP इसका एब्रिवेशन है। इसका मतलब ये है कि चैनल जब मोनेटाइज हो जाता है, जब आप मोनेटाइज करवा लेते हैं अपने चैनल को, तो आप यूट्यूब के पार्टनर प्रोग्राम का पार्ट बन जाता है, हिस्सा बन जाते हैं। आप YPP के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसका पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद आपका कौन सा वॉच टाइम काउंट होता है और कौन सा नहीं, तो हम आपको इधर आज 5 टाइप्स बताएंगे कि इन वीडियोस का वॉच टाइम काउंट नहीं होता, उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आपका अगर चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो अगर आप वो करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं अपनी वीडियोस के रिगार्डिंग, तो आपका वो वॉच टाइम दैट विल नॉट बी काउंटेड, राइट। और इसके अलावा जब आप मोनेटाइज भी हो जाते हैं, उसके बाद भी आप अगर ये एक्टिविटीज करते हैं, तो अगेन योर वॉच टाइम विल नॉट बी काउंटेड एज वेल। नंबर वन ये कैटेगरी है कि अगर आप अपनी वीडियोज को प्राइवेट कर देते हैं या उसको अनलिस्ट कर देते हैं, राइट। 3 ऑप्शंस होती हैं वीडियो को पब्लिश करने के लिए, यानी कि पब्लिक कर ले, उसको प्राइवेट कर ले या अनलिस्ट कर ले। देखिए, पब्लिक का मतलब तो ये है कि आपने लोगों को पब्लिक के लिए वो वीडियो खोल दिया, आपने लोग देख रहे हैं, उसको देख सकते हैं। प्राइवेट का मतलब है कि कोई उसको नहीं देख सकता आपके अलावा। नंबर 3, अनलिस्टेड का मतलब ये होता है कि आप उस वीडियो का लिंक जिसको भेजेंगे वो देख सकता है, बाकी उसके अलावा आम पब्लिक नहीं देख सकती, राइट। ये 3 कैटेगरीज हैं। तो इसमें से जो 2, जब आप अपनी वीडियो को अनलिस्ट या प्राइवेट कर देंगे, तो आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। देखिए, कॉमन सेंस है, यूट्यूब कहता है कि आपकी वीडियोस का वो वॉच टाइम कैलकुलेट होगा, काउंट होगा, जो पब्लिक होगी, जो पब्लिक देखेगी। आप खुद नहीं देखेंगे, राइट, क्योंकि हमने अपनी वीडियो जो बनाई है वो अपने लिए नहीं बनाई, हमने पब्लिक के लिए बनाई है। तो इसका मतलब ये एक बेसिक फॉर्मूला है कि आपकी वीडियोस पब्लिक के लिए हैं। अगर आप उसको अनलिस्ट या प्राइवेट कर देते हैं, अनलिस्ट भी प्राइवेट की फॉर्म है, तो उन वीडियोस का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड है। लेकिन अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो यकीनन जब वो आपके 4000 घंटे आपने पूरे करने हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो वो अनलिस्टेड और प्राइवेट का वॉच टाइम विल नॉट बी काउंटेड, काउंट नहीं होगा। दूसरी टाइप ये है कि आप अगर अपनी वीडियो को आपके, लेट से एज्यूम कीजिए कि आपके 2000 आवर्स हैं, 2000 घंटे आपके टोटल चैनल के तमाम वीडियोज को कलेक्टिवली आप करें, तो 2000 आवर्स है। उसमें से आप एज्यूम कीजिए 100 आवर्स की वीडियो को डिलीट कर देते हैं, उसमें से बाकी आपका बैलेंस क्या रह गया वॉच टाइम का, 1900। तो इसका मतलब ये है कि आपको 1900 के पैसे मिलेंगे आपका अगर चैनल मोनेटाइज्ड है, राइट। लेकिन अगर आपका चैनल 4000 को टच कर गया है और आपको मोनेटाइजेशन अभी अभी मिली है, और उसमें से आप अपने वीडियोज को 100 आवर्स की वीडियोज को डिलीट कर देते हैं, तो बाकी बैलेंस क्या रहेगा, 3900। इसका मतलब है कि आप उस थ्रेशोल्ड को से नीचे आ गए हैं, 4000 से नीचे आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि YouTube आपको YPP YouTube पार्टनर प्रोग्राम में आपको उसका पार्ट नहीं बनाएगा, आपको मोनेटाइज नहीं करेगा। थर्ड टाइप्स वो कौन सी है, देखिए थर्ड टाइप्स आती हैं शॉर्ट्स की वीडियोस। शॉर्ट्स की वीडियो से ये मुराद है, उसकी 3 कंडीशंस है। हमने वीडियोज बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं कि पहली शर्त क्या है कि आप मोबाइल को वर्टिकल फॉर्म में खड़ा करके आप वीडियोस को बनाते हैं, नॉट इन लैंडस्केप, वर्टिकल फॉर्म में आप वीडियो बनाएं। नंबर 2, आप वीडियो बनाएं इक्विवेलेंट टू 1 मिनट और लेसर देन 1 मिनट, 1 मिनट के बराबर या 1 मिनट से नीचे, 1 मिनट से कम टाइम की, तो 59 सेकेंड, 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, किसी की भी बनाएं, तो वो शॉर्ट्स की दूसरी जो कंडीशन है उसको पूरा करती है। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपने अपने टाइटल में, जब इसको वीडियो को पब्लिश करेंगे, टाइटल लिखेंगे, टाइटल में आपने #shorts लिखना है, राइट।
ये अगर तीन कंडीशंस आप पूरी करते हैं तो आप शॉर्ट्स में आपकी वीडियो शॉर्ट्स कहलाती हैं। लेकिन ये याद रखिए कि जो शॉर्ट्स की वीडियोस का वॉच टाइम होता है वो काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि यूट्यूब कमिटमेंट करता है, यूट्यूब ने कमिटमेंट की हुई है कि वो शॉर्ट्स की वीडियो जो बनाएगा यूट्यूब उसको प्रमोट करेगा, आपकी वीडियोस को वायरल कर सकता है, आपकी वीडियोस पर ओवरनाइट मिलियंस सब्सक्राइबर आ सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको ओवरनाइट रातों रात मिलियंस सब्सक्राइबर मिल गए तो उसका जो थ्रेशहोल्ड का कॉन्सेप्ट है यूट्यूब का कि 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने, वो तो एक रात में ही आपने अचीव कर लिया। इसका मतलब है यूट्यूब ने उसको उसको कैटेगरी से निकाल दिया कि शॉर्ट्स की वीडियो से अगर आपको जो भी वॉच टाइम, जो भी व्यूज मिलेंगे वो काउंट नहीं होंगे इन मोनेटाइजेशन के प्रोसेस में। चाहे आपकी वीडियो मोनेटाइज्ड है तो आपको उसके पैसे नहीं मिलेंगे उनके व्यूज के और उसके वॉच टाइम के, लेकिन सब्सक्राइबर्स काउंट होंगे आपके, राइट। लेकिन क्योंकि सब्सक्राइबर के पैसे नहीं मिलते, अब अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, मोनेटाइज होने जा रहा है, तो आपको ये भी इसका वॉच टाइम और व्यूज काउंट नहीं होगा। बहुत देखिए, फोर्थ टाइप्स ऑफ वीडियोज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लोगों को एक मिसकंसेप्शन है। लोग बहुत सारे व्लॉगर्स, आई एम सॉरी टू से, ये मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, कि वो ये है कि आप अपनी वीडियोस पर एडवर्टीजमेंट चला लेते हैं, आप एडवर्टीजमेंट कंपेन चला लेते हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो आप याद रखिए, यूट्यूब क्लियरली अपनी पॉलिसीज में कहता है कि उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। तो देखिए, अगर एक शख्स अमीर है, एक व्लॉगर या यूट्यूबर अमीर है, वो ओवरनाइट एक ही रात में 50,000 लाख रुपया खर्च करके, तो वो तो अपनी वीडियोस पर 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर आसानी से पूरा कर सकता है। ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन आ गया कि अमीर और गरीब का। लेकिन यूट्यूब टैलेंट को प्रमोट करता है, क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, चाहे वो गरीब करे या अमीर करे। इसीलिए यूट्यूब इसको भी डिस्करेज करता है कि आप भले आप करें, आप सब्सक्राइबर्स ले लें, लेकिन आपके व्यूज और आपके वॉच टाइम काउंट नहीं होंगे। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो वो आप थ्रेशहोल्ड को आपने अचीव करना है 4000 और 1000, तो आप उसमें वो काउंट नहीं होगा, उस जर्नी में उसको कवर करने में वो काउंट नहीं किया जाएगा। अब पांचवी टाइप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लाइव स्ट्रीमिंग। जब आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, यूट्यूब एनकरेज करता है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग करें, लेकिन ये तब तक होता है जब तक आप उसको वीडियो में कन्वर्ट ना करें। जब आप कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये वो काउंट किया जाता है आपका टाइम। ये फाइव टाइप्स आपको बताई हैं कि आप इसको ये जहन में रख लीजिए कि ये तमाम फैक्टर्स हैं कि इनकी वजह से आपका वॉच टाइम काउंट नहीं होता, ना ही आपको वो थ्रेशहोल्ड पास को अचीव करने में ये हेल्प आउट नहीं होंगे। इससे आपकी माइलेज बढ़ती है चैनल की, इन चीज़ों से आपको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, आपकी वीडियोस वायरल हो सकती हैं। जब आपकी वीडियोस वायरल होंगी तो यकीनन वो आपकी दूसरी वीडियोस को भी देखेंगे। तो आप नीचे कमेंट्स में हमें राय अपनी लाजमी दीजिएगा कि आप किस पे वीडियो देखना चाह रहे हैं, हम उस पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे। और आखिर पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो हम हर बार करते हैं, राकीज़ार ऑनलाइन, यानी कि हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की और नेशनल स्टूडेंट्स की। पाकिस्तानी हाउस वाइफ्स हों, गवर्नमेंट ऑफिशल्स हों, स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हों, हर कोई इसमें शामिल हो सकता है हमारे वीकेंड प्रोग्राम में, रेगुलर प्रोग्राम में। तो ये ऑनलाइन क्लासेस YouTube मास्टरी कोर्स की हैं। आप अगर YouTube को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, अपना चैनल बनाना चाह रहे हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, एल्गोरिदम क्या है, पूरी तफसील से बहुत सारी केस स्टडीज़ हम आपको इसमें पढ़ाएंगे, तो आप हमारे इस नंबर पर जो स्क्रीन पर है इस पर आप हमसे राबता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। Thank you very much. Allah Hafiz.